हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हाइपोथायराइड के लिए योगा करेंगे हम लोग। सबसे पहले गले का करेंगे, हम सीधे बैठेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। क्लॉक वाइज गर्दन को घुमाएंगे और एंटी क्लॉक वाइज 10 टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एंटी क्लॉक वाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब लंबी सांस भरेंगे और यहाँ उसके बाद सांस को रोकेंगे और गर्दन को इस नेक में लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। फिर करेंगे 10 टाइम करेंगे ये भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। ये गले में जो भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि थायराइड में गले से ही शुरुआत होती है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। पैर को सीधा रखेंगे और पीठ को सीधा करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब पैर में थोड़ा सा गैप देंगे, लेफ्ट पैर को राइट हैंड से छुएंगे और राइट को लेफ्ट से, 10 टाइम इसे भी करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 टाइम करेंगे और कम से कम इसको 10-12 बार रिपीट करेंगे। अब हम लोग खड़े होके करेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस को भरेंगे, वन टू थ्री फोर, इसमें घुटनों को टाइट करके रखेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप घुटनों को बैंड भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10-12 बार करना है इसको। अब थोड़ा सा पैर को फैलाएंगे, राइट हाथ से लेफ्ट पैर को छूना है और लेफ्ट हाथ से राइट पैर को छूना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। पैर को थोड़ा खोलेंगे, हाथों को ऐसे बैंड करेंगे ऊपर, ये जो ये ऐसे पोज करेंगे इसको थोड़ा खींचेंगे, वन टू
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उतना ही झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं, कि शुरू में हो सकता है प्रॉब्लम हो तो कम ही झुकेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो फिर आ जाए। पैर को थोड़ा खोलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। थायराइड की वजह से जिनको घुटनों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक और एक्सरसाइज है, कमर पे हाथ रखेंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे और वजन को घुटनों पे नहीं पैरों पे डालेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। और कंधों में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये वाला हाथ सीधा रखेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब ये दूसरा वाला हाथ भी करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। वज्रासन में बैठेंगे और लेकिन पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे। ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं इसको थायराइड वालों को कंपलसरी करना है, क्योंकि ये गले के लिए ही है और बहुत फ़ायदा होगा इससे। हाथ ऐसे लेंगे, हाथ को आगे रखेंगे ऐसे, इतना ये खोलेंगे कि हाथ ऐसे आगे आ जाए, जीभ निकाल के आवाज़ गले से निकालनी है। तो ये आप लोगों को करना है, शेर जैसे, शेर की जैसी आवाज़ निकालनी है गले से और जीभ को बाहर निकालना है। ये 10 टाइम करें इसको भी आप लोग। थायराइड में ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं खाएंगे, हमेशा गुनगुना पानी पियेंगे। और दही वगैरह तो रात में नहीं खाना है, दिन में खा सकते हैं लेकिन रात में नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। जितनी भी सिट्रिक खट्टी चीज़ें हैं और बादी चीज़ें थायराइड वालों को नहीं खानी है। अगर उसमें भी आंवला बहुत बेनिफिट है तो आंवले के खाने का तरीका ये है कि आप सुबह सुबह आंवला पाउडर गुनगुने पानी में लेंगे तो गले की जो भी प्रॉब्लम होगी, जुकाम या वैसे भी दर्द होगा, तो वो सही हो जाएगा। वो आप गर्म गुनगुने पानी में खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाना है। नींबू बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि नींबू बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो बहुत नुकसान करता है, तो नींबू नहीं खाना है। और पॉइंट बताएंगे आज हम थायराइड का, तो ये देखिए, ये हाथ दिख रहा होगा आप लोगों को, तो अंगूठे के नीचे ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के नीचे जो ये फूला हुआ भाग होता है, जो मोटा मोटा होता है अंगूठे के नीचे, इसको दबाना है ऐसे। कम से कम 10 मिनट दबाएंगे ऐसे ही। इस वाले हाथ में भी ये अंगूठा, ये देखा, ये आप देख रहे हैं, ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे जो ये मोटा सा फूला सा पोर्शन होता है उसको दबाना है ऐसे। ये थायराइड का पॉइंट है, इसको आपको डेली सुबह शाम दबाना है 10-10 मिनट के लिए। तो ये एक्सरसाइज करें और ये थायराइड का पॉइंट दबाएं, पॉइंट ज़रूर दबाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही टाइम, आप 3 टाइम भी दबा सकते हैं,
5-5 मिनट के लिए कर लें, 3 टाइम दबा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। जितनी भी रेमेडी हम बता रहे हैं वो सब बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, एक बार आप यूज़ ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो परमानेंट के लिए होगा। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू।